7 फरवरी से बिहार में स्कूल कॉलेज खोले जा सकते हैं। जिम, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, मॉल खुलने पर भी फैसला होगा। आपको बता दें कि शुक्रवार को क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी, लेकिन केवल कोरोना संक्रमण की रफ्तार को लेकर काफी चिंता हुई। मंथन व रिजल्ट अब तक सामने नहीं आया है कि 7 फरवरी के बाद जो पाबंदियां खत्म हो रही है उसमें क्या कुछ नए बदलाव होंगे। हालांकि उम्मीद यह की जा रही है कि 7 फरवरी से सभी जो विद्यालय हैं, शैक्षणिक संस्थान है, उसे खोल दिया जाएगा। बिहार सरकार के शिक्षा मंत्री भी इस बात की पहल कर चुके हैं कि बच्चों की पढ़ाई काफी बाधित हो रही है, संक्रमण की रफ्तार थोड़ी सी कम हुई है, जिस वजह से अब सरकार के जो उम्मीद है कि क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के जो लोग बैठेंगे उस बैठक में तय होगा कि 7 फरवरी के बाद बिहार में कम से कम स्कूल कॉलेजों को खोलने की इजाजत मिल जाए। हालांकि पाबंदियों को लेकर अब तक जो पुरानी गाइडलाइन है उसका पालन किया जा रहा है। 6 फरवरी को पुरानी गाइडलाइन की जो मियाद है वो पूरी हो रही है, 7 फरवरी से नई गाइडलाइन जारी होनी है। ऐसे में क्या कुछ सरकार की कोशिश होगी, क्या कुछ बदलाव होंगे, जब क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक आज शाम में होगी और क्या कुछ फैसले लिए जाते हैं, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। लेकिन जो उम्मीद जताई जा रही है उसमें यह कहा जा रहा है बिहार के जो विद्यालय हैं उन्हें खोलने के दिशा में सरकार कदम उठा सकती है। ये कोशिश होगी कि बिहार के जो शैक्षणिक संस्थान है उन्हें खोल दिया जाए। पाबंदियां भले ही जारी रहेंगी, नाइट कर्फ्यू पर भी जो पाबंदी है उसे हटा लिया जाए, साथ ही साथ जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है, बड़े बड़े मॉल है, उनको खोलने पर भी सहमति बन सकती है। लेकिन कोरोना संक्रमण की रफ्तार को देखते हुए क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक में ही यह तय होगा। सरकार भले ही अपने स्तर से बिहार के शिक्षा मंत्री ने पहल जरूर की है विद्यालयों को खोलने की, लेकिन आज की बैठक में यह तय हो जाएगा कि 7 फरवरी से बिहार के बच्चे एक बार फिर से स्कूल जाएंगे या नहीं। आपको बता दें कि कोरोना पाबंदी के वजह से स्कूल, मॉल, नाइट कर्फ्यू पर जो है आज फैसला होना है। इस बीच शुक्रवार को राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक हुई थी, जिसमें कोरोना संक्रमण की स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई, लेकिन बैठक में प्रतिबंधों के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया। सीएमजी की बैठक में आज जो बैठक होनी है उस बैठक में यह तय किया जाएगा कि 7 फरवरी से बिहार में पाबंदियों को लेकर क्या कुछ नीति होगी सरकार की। आपको बता दें कि जो पाबंदियां 6 फरवरी तक लागू है उसकी मियाद खत्म होने वाली है, जिसके बाद नई जो पाबंदियों की सूची है उसे सरकार को जारी करनी होगी, उसमें विद्यालयों को खोलने को लेकर फैसला हो सकता है। दरअसल बिहार के शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने 7 फरवरी से राज्य के सारे शिक्षण संस्थान खोले जाने की बात कही थी। उन्होंने कहा था कि विभाग पूरी क्षमता के साथ शिक्षण संस्थानें खोलने के लिए तैयारी की है और सरकार इसके पक्षधर है, जिससे ऑफलाइन कक्षा की व्यवस्था फिर से बहाल हो। हालांकि उन्होंने कहा था कि अंतिम निर्णय आपदा प्रबंधन समूह की बैठक में लिया जाएगा। इस बीच कोरोना संक्रमण के जो मामले हैं उसमें भी कमी आ रही है। पटना में लगातार दूसरे दिन कोरोना के केस 100 से कम मिले हैं। शुक्रवार को सबसे अधिक पटना में 85 मरीज मिले थे। दूसरे स्थान पर मध्यपुरा, जहां 73 नए संक्रमित पाए गए। इन्हीं दोनों जिलों में संक्रमण दर 1% से अधिक 1% से अधिक दर्ज की गई है। बिहार में 33 दिन के बाद कोरोना के नए मरीजों की संख्या 500 से नीचे आई है।